ना दही ना मशीन, बिना मेहनत किए एकदम नए तरीके से मिनटों में बनाएंगे देसी घी, साथ में एक नई रेसिपी। स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 8 से 10 दिन की मलाई को फ्रीजर में इकट्ठा करके रख दिया हुआ था। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बर्फ जमा हुआ है, आप देख सकते हैं। फ्रीजर में रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसे फ्रिज में नहीं रखना है। यहाँ हमने पैकेट वाले दूध पर की मलाई लिया हुआ है, आप कोई सभी मलाई को फ्रीजर में इकट्ठा करके रख सकते हैं। 10 से 20 मिनट के लिए इसे हम निकाल करके रख देंगे नरम होने के लिए। इसके बाद एक बड़ा सा गहरे तले का बर्तन लेंगे। तो यहाँ हमने भगोना लिया है, आप पतीला भी ले सकते हैं, लेकिन बर्तन थोड़ा गहरा होना चाहिए। अब हम मलाई को अच्छी तरह से मिला लेंगे, गोल गोल फेंटते हुए। पहले इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है नीचे से ऊपर तक, ताकि एक सार ये हो जाए। अब हम क्या करेंगे, हाथ को बीच में रखेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए फेंटेंगे। तो जैसे हम मिक्सी ग्राइंडर में फेंटते हैं ना, ब्लेड गोल गोल घूमता है, बिल्कुल उसी तरीके से हाथ को बीच में रखना है मलाई के, और इसे हम गोल गोल घुमाते हुए 3 से 4 मिनट तक फेंटेंगे। मेहनत नहीं करना है, हल्के हाथ से फेंटना है। और आप देख सकते हैं मलाई जो है बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, यानी कि मक्खन बनना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा इसे हम और फेंट लेते हैं और ये पूरी तरह से मक्खन बन गया है, आप देख सकते हैं। ऐसे जब आप इसे गोला बनाएंगे, तो गोला बनाने के बाद जब छोड़ेंगे तो हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी की तरह लगेगा। अब इसमें हम डाल दें कुछ बर्फ़ के टुकड़े, और टुकड़े डालने के बाद इसी तरीके से हल्के हाथ से फेंटते हुए गोल गोल फेंटेंगे, यानी कि घुमाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुका है, मक्खन जो है छाछ छोड़ना शुरू कर दिया है इस तरीके से। अभी मैं आपको निकाल करके दिखाऊंगी। ये देखिए मक्खन में से छाछ निकलना शुरू हो गया है। जब मैं इसे निचोड़ रही हूँ तो छाछ जो है अलग आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका गोला बनाएंगे। काफ़ी कड़क हो गया है, आप देख लीजिएगा, जब कड़क हो जाएगा तभी गोला बनाइएगा और अच्छी तरह से छाछ को निचोड़ते हुए निकाल दीजिएगा। सारे मक्खन का इसी तरीके से हम गोला बना लेंगे और सारे गोले को हम 3 से 4 बार साफ पानी से धुल देंगे, ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा छाछ है वो बाहर निकल जाए। अगर वो छाछ मक्खन में रह जाता है तो जब हम घी बनाते हैं तो काफ़ी स्मेल करता है, यानी कि महकता है। लेकिन जब इसे आप 3 से 4 बार अच्छी तरह से साफ पानी से धुल देंगे और जब घी बनाएंगे तो ये स्मेल नहीं करेगा और खुरचन की मात्रा बहुत कम निकलता है। तो इस तरीके से हमने सारे मक्खन को इकट्ठा कर लिया, और ये आप एक बार छाछ को चख करके टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कढ़ी बनाइएगा। और यहाँ हमने मक्खन को 3 से 4 बार साफ पानी से धुल लिया। गैस चलाकर कढ़ाई में हमने मक्खन को गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम तेज रखेंगे, तेज आंच पर इसे हम पिघलने देंगे और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। तो जब भी आप घी बनाएं, मोटे तल्ले वाली एल्युमिनियम की कढ़ाई का प्रयोग करें, इसमें घी अच्छा बनता है। जैसे कि मैंने बोला कि इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब ये मक्खन जो है उबल करके बाहर न गिरने पाए और हमारा गैस न ख़राब होने पाए, तो क्या करेंगे, इस तरह का छोटी सी स्टील की कटोरी लेंगे या फिर स्टील का चम्मच लेंगे, छोटा बर्तन लेंगे, आप कप भी ले सकते हैं, और इस कटोरी को हम इस घी में डाल देंगे और एक तेज़पत्ता डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और थोड़ा सा इसे हम चला देंगे, बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे बैठने ना पाए। वैसे हम कटोरी जब डाल देते हैं तो ये मक्खन जो है कढ़ाई के तले में बैठ नहीं पाता है। तो जैसा हमने बोला कि बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। चीनी डालने से घी का मात्रा दुगुना हो जाता है और ये घी जो है काफ़ी समय तक, यानी कि साल भर भी रखेंगे स्टोर करके, तो कभी ख़राब नहीं होता। अब इस कटोरी को हम निकाल देंगे, क्योंकि मक्खन बाहर नहीं गिरेगा, घी बनना शुरू हो गया है। और इसे हम अच्छी तरह से चला देंगे नीचे से, ताकि ये तले में बैठने ना पाए। ऊपर से भी जो इस तरीके से लगा होगा मक्खन, उसे भी खुरच करके हम घी में डाल देंगे। और यहाँ हमने साफ कटोरी में पानी लिया हुआ है, इसका छींटा मार देंगे। एक बार छींटा मारने के लिए बाद हम थोड़ी सी रुक जाएंगे, उसके बाद दोबारा छींटा मारेंगे। रुक रुक कर हमें 2 से 3 बार छींटे मारने हैं। इससे क्या होगा, घी बिल्कुल दानेदार बनेगा। अब हम क्या करेंगे, घी को थोड़ा सा पकने देंगे, और आप देख सकते हैं घी बनकर हमारा तैयार हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि इसका कलर बिल्कुल हल्का है, हल्के गोल्डन कलर का है। लेकिन क्या है ना, कि हमने ये एल्युमिनियम की कढ़ाई में इसे बना रहे हैं, तो एल्युमिनियम कढ़ाई का तल्ला और ये कढ़ाई काफ़ी गर्म होता है, इसे ठंडा होने में 10 मिनट का समय लग जाएगा।
और घी हमारा काफ़ी डार्क हो जाएगा। तो गैस को हमने ऑफ़ कर दिया हुआ है और इसे जब ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कढ़ाई हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है और घी का हमारा कलर कितना अच्छा आया है, और खुरचन का भी आप कलर देख लीजिए। तो अगर आप पतले तल्ले वाली कढ़ाई में ये घी बना रहे हैं तो घी को थोड़ा सा और पका लीजिएगा, क्योंकि घी पका नहीं रहेगा तो ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब इस तरह का एक हमने बड़े चौड़े मुँह वाला एक बर्तन लिया हुआ है, इसमें घी को छान लेंगे। अभी हम स्टील के बर्तन में छान रहे हैं, लेकिन जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसे हम कांच के बर्तन में निकाल कर अलग कर देंगे। पूरा घी भर गया, अब इस बर्तन को हम हटा देंगे। तो ये देखिए एक पूरा कटोरा हमारा घी से भर गया। अब जो थोड़ा सा घी बचा है हम प्याली में छान लेते हैं। खुरचन को थोड़ा सा दबा देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो घी है वो प्याली में चला जाए, और आप खुरचन का कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है, और ये घी भी आप देख सकते हैं। पूरा मिलाकर हमने 8 से 10 दिन की मलाई को 1 किलो घी बना करके तैयार कर लिया, और खुरचन का भी देखिए बिल्कुल मावे की तरह आया है देखने में भी, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल मावे की तरह आता है। कढ़ाई हमारी कितनी साफ़ है आप देख सकते हैं, कहीं से चिपका नहीं है। और इस खुरचन में आप देखेंगे कि 1 से 2 चम्मच घी जो है बाकी रह गया, यानी कि बच गया है। तो हम क्या करेंगे, गैस चलाकर घी को गर्म कर लेंगे जो बचा हुआ है, और इसमें हम कुछ कटे हुए मेवे डाल देंगे। तो यहाँ हमने काजू बादाम और किशमिश लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसमें मेवे डाल सकते हैं। आप मूंगफली का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच इसमें हम कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे, और 1 चम्मच पोस्तादाना, और सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये थोड़ी देर में ही भून जाता है, इसे हम बाहर निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा इसे हमें कड़क नहीं करना है। अब इसी कढ़ाई में हम खुरचन को डाल देंगे। तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, थोड़ा सा कड़क हो गया है, इसे हम थोड़ा सा नरम होने तक भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप मलाई, दूध पर की ताज़ा मलाई है, इसी का आप प्रयोग कीजिए। बहुत दिन तक रखा हुआ दूध का पर की मलाई का प्रयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये मावे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ताज़े मलाई का प्रयोग करना है। सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ हमने 1 कटोरी गुड़ लिया है, और गुड़ को अच्छी तरह से कूट लिया है ताकि इस तरीके से जब हम तोड़े तो आसानी से ये टूट जाए, और इसे जल्दी से मेल्ट भी हो जाता है। अब इसे हम खुरचन में डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से फेंटते हुए पकाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स और बड़े बड़े गुठली या ढोके ना रह जाए। तो इस तरीके से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फेंट लीजिए, और फेंटने के बाद इसमें हम ये फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो हमने मेवे को फ्राई करके रखा हुआ था, इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। और तब तक इसे हम भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल सूखा नहीं हो जाता और ये कढ़ाई नहीं छोड़ने लगता। यहाँ हमने प्लेट में थोड़ा सा देसी घी लगा करके ग्रीस कर लिया है, गैस को बंद कर देंगे, और ये सारे मिश्रण को हम प्लेट में डाल करके अच्छी तरह से फैला देंगे, डालते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ यानी कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे। आप भुनी हुई मूँगफली भी डाल सकते हैं, और डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा चिपका देंगे ताकि जब हम काटें तो ये नारियल के जो टुकड़े हैं वो बाहर निकलने पाए। तो इस तरीके से आप चिपका दीजिए, और इसे ठंडा होने के लिए 1/2 घंटे के लिए हम किनारे रख देंगे। तो ये देखिए 1/2 घंटे के लिए इसे हमने किनारे रख दिया था, ये पूरी तरह से जम चुका है। अब इसे हम काट लेंगे। पीसेज आप अपने हिसाब से छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं, यानी कि एक बार में इसे खाया जा सके उतने बड़े पीस रख लीजिए। तो इस तरीके से इसको हमने तिरछा काटा हुआ है, और आप चौकोर पीस में भी काट सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इसका लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाने से क्या होता है कि एक बार में आप 1 लड्डू खा सकते हैं, बच्चे हो या बड़े हो सभी को काफ़ी पसंद आता है। और जब ये छोटे छोटे लड्डू आप बना करके 1 महीने तक भी रख सकते हैं तो ये ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए या फिर बर्फी बना लीजिए। कम समय में काफ़ी आसान तरीके से आप घी भी बना सकते हैं, और उसके खुरचन से ये लड्डू भी बना सकते हैं। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं या पूजा पाठ में भी खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी बनता है और ये कभी ख़राब नहीं होता है। तो देसी घी भी आप आसान तरीके से बना सकते हैं, और उसके खुरचन से ये लड्डू भी बना सकते हैं। अगर आप इसे व्रत में नहीं खा रहे तो थोड़ा सा भुनी हुई सूजी डाल करके भी लड्डू बना सकते हैं। और घी हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसका आप कलर देख लीजिए कितना प्यारा कलर आया है, और मैं इसे आपको निकाल करके दिखा रही हूँ कि ये कितना दानेदार बना हुआ है। तो ये देखिए घी को मैं इस तरीके से निकाल करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप घी बनाएंगे घर में तो यकीन मानिए मार्केट का घी लाना भूल जाएंगे, और ये टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है,
और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसे साल से 2 साल से आप 3 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं तो भी ये ख़राब नहीं होता। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।